अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात करते हैं जुफर जिन या जाफर जिन या जफर जिन, इस तरह का एक नाम आता है जिनों में से एक जिन का, जिसे कहा जाता है कि करबला में आया था और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से उसकी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू शनीद हुई थी। और उस बातचीत के बाद जुफर जिन की इस तवील बातचीत को किताबों में भी बाज़ नकल किया गया है। इसकी हकीकत भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई। अनफॉर्चुनेटली ये शियाओं हजरात की किताबों में आता है। हमारे यहाँ के कुछ सुन्नी लोगों ने भी इसे अपने बयानात में नकल करना शुरू कर दिया है कि जुफर जिन कहता है कि जब हम करबला के मैदान में पहुंचे तो चारों तरफ से चार चार फरसख का इलाका दुश्मनी फौज ने घेरा हुआ। इसी तरह मलाइका भी बहुत ज्यादा सफे लगी हुई थी। ये सारा कुछ कौन बता रहा है? जिन बता रहा है। इसी तरह मलिक मंसूर नामी फरिश्ता कई हजार का लश्कर लिए एक तरफ, मलिक नसर नामी फरिश्ता कई हजार का लश्कर लिए दूसरी तरफ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कई हजार का लश्कर लिए तीसरी तरफ, और एक और तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम कई हजार का लश्कर, और इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम, इसी तरह हव्वा अलैहिस्सलाम, दरिया अलैहिस्सलाम, पहाड़ अलैहिस्सलाम, दोजख, अजीब अजीब से नाम है, बहरहाल अल्लाह माफ करे, इनमें से हर एक फरिश्ता कई कई हजार का लश्कर लिए इमाम हुसैन के एक इशारे का मुंतजर था। इसी तरह 1,24,000 अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सफ़े लगी हुई हैरानो परेशान खड़ी थीं। खातमुल अंबिया अपने दामन फैलाए फरमा रहे थे कि मेरे प्यारे बेटे हुसैन, इन्ना मुश्ताकून, जल्दी करो मेरे बेटे, हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं उधर मैदान करबला में। यको तन्हा मौला हुसैन जख्मों से चूर चूर पेशानी जख्मी, जलता हुआ सीना, फटा हुआ सर, रोती आंखों के साथ बेयारो मददगार खड़े थे। जूही सांस लेते तो खून फवारा बनकर जर्रे के सुराखों टपक रहा था, लेकिन आप मलाइका की सफों की परवाह किए बगैर अपने खालिक से राजो नियाज कर रहे थे। और बड़ी तफसील से आता है, फिर उसके बाद वो कहता है जिन के हजरत हुसैन ने मुझे देखा और अपनी एक पलक से मुझे इशारा फरमाया कि ए जुफर मेरे पास आ जाओ। ये आवाज सुनकर तमाम मलाइका मेरी तरफ देखने लगे और मुझे रास्ता देने लगे। मैंने भी जल्दी से अपने आप को मौला के कदमों में पहुंचाया और अर्ज की कि मौला मैं 30,000 के लश्कर के साथ आपकी मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ, हुक्म फरमाइए। तो हजरत हुसैन मुझे फरमाने लगे ए जुफर तूने बड़ी तकलीफ की, खुदा और उसके हबीब तुझ पे राजी हों और तुम्हारी खिदमात और ज़हमत दरगाह खुदा में कबूल हों, लेकिन मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। मैंने दोबारा अर्ज की मौला मैं आप पे कुर्बान, मुझे आप जंग करने की इजाजत क्यों नहीं देते? तो हजरत हुसैन फरमाने लगे तुम तो इनको देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे, और ये बात जवां मर्दी के खिलाफ है कि वो कहें कि हुसैन ने हमें एक ऐसी मखलूक से मरवा दिया जो नजर ही ना आती थी। तो मैंने अर्ज की कि मौला हम इंसानों का रूप धार लेते हैं, अगर इस सूरत में कत्ल भी हो गए तो रजा इलाही के रास्ते में शहीद होंगे। तो हजरत हुसैन फरमाने लगे कि जुफर अब जिंदा रहने की चाहत नहीं, अब तो फकत लिकाए परवरदिगार की आरजू है, तुम अपनी जगह वापस पलट जाओ और मेरी अब नुसरत करने के बजाय मुझ पे गिरिया और इज्जतदारी करना, और तुम्हारी इज्जतदारी और गिरिया मेरी जख्मों की मरहम बनेगा। इसका हवाला आगे दिया जाता है बहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी जिल्द नंबर 44 सफा 330। अब आप इससे अंदाजा करें कि इज्जतदारी जो बहुत बाद की एक शय है, जिसका कुरून उला में मैंने आपको बताया ना कोई नामो निशान भी नहीं मिलता, हजरत हुसैन की तरफ मंसूब की जा रही है। वही वजह है कि बातिल चूंकि झूठ के पांव तो होते नहीं ना कुछ तो इन्होंने करना है, तो कहीं ना कहीं बात हजरत हुसैन से जोड़ दी ताकि ये पता चल जाए कि हम जो कर रहे हैं इसका हुक्म हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। अच्छा अगर इमाम हुसैन ने दिया था तो बताओ मुझे आइम्मा अहले बैत को भी ये काम करना चाहिए था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते, इमाम बाकिर करते, इमाम जाफिर करते, इमाम मूसा काजिम करते, इमाम अली रजा करते, कोई तो करता, खबर ही कोई नहीं। क्योंकि जो बात झूठ है उस झूठ के ऊपर तो यही होगा कि उसकी पीछे कोई। अच्छा एक किताब थी जिसके बारे में बताता हूँ, ये जुफर नामी जिन जो है ना, ये जो घड़ंतु बातें बड़ी आम हो गई हैं, इसके पीछे एक तारीख है। सल्तनत फातमिया का एक हुक्मरान था अल मुइज़, 341 हिजरी से 365 हिजरी, तो उसने जो है 358 हिजरी में बल्कि मिस्र फतह कर लिया था, और ये फातमी हुकूमत का बड़ा हुक्मरान था। अफ्रीका से मिस्र आ गया और उसने काहिरा की जो है बुनियाद डाली और बहुत उसके अंदर मामला चला।
किया और मराकश में भी उसने बहुत सारे काम किए। लेकिन 10वीं सदी हिजरी में ममलिकत ईरान के सरकारी मजहब के शिया हो जाने के बाद रसूम इज्जतदारी में बहुत तरक्की हुई। अहले तशियों के साथ साथ अहले सुन्नत भी इसमें हिस्सा लेने लगे। यहाँ तक के मुल्ला हुसैन काशफी नक्शबंदी सब्जवारी ने किताब लिखी रौदतुश्शुहदा। ये ऐसा आदमी था कि सुन्नियों में जाता तो सुन्नी बन जाता है। इसने जो किताब लिखी ना, इसको वाइस काशफी ने फारसी में लिखा। अब उस जमाने में अरबी तो आती नहीं थी जाकिरों को, तो उन्होंने इसी की किताब पकड़ के पढ़नी शुरू कर। ये रहता था शियाओं के गढ़ में, सब्जवारी में। सब्जवार शियाओं का गढ़ था उस जमाने। ये आपका ये जो यूट्यूबर है, एक बड़ा मशहूर शिया है, जो ये जो हाथों की लकीरों के बारे में और चालों के बारे में सितारों की बता के लोगों को जो है, मेहरबान अली बस 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 का जो ड्रामा करता है अपने हर उसमें, और हजरत अली ने फरमाया, हजरत अली ने कहा बस बस बस, वो एको के साथ जो ड्रामा आता है उसका, ड्रामेबाज है और क्या है, ये ड्रामे करते रहते। तो वो भी सब्जवारी है ना, वो भी सब्जवारी है। बहरहाल तो ये भी सब्जवारी था। और मुल्ला हुसैन काशफी तो रौदतुश्शुहदा नाम की किताब लिखी, फारसी में थी। उस जमाने में अरबी लोग जानते नहीं थे यहाँ के, दोनों वही किताबें पढ़नी शुरू की और वही वाक़े इतने मशहूर हो गए जाकिरों की मजलिस से सुनते सुनते। वही ना, जाकिरीन कोई सनद नहीं होते, वो तो जो मुंह में आया सुना दिया, जिस पे वाहवा मिली सब सुना दिया। जाकिरीन की मिसाल शायरों वाली है, जिस पे दाद मिलती है सुनाते चले जाओ, लफ्ज बनाते चले जाओ। पर एक दफा एक लफ्ज बना दिया, मजलिस में मशहूर हो गया, तो बस फिर वो बात हो गई, फिर अगली दफा जो है वो सनद बन जाती है। तो अब चूंकि इसकी किताब से रौदतुश्शुहदा से पढ़ पढ़ के बताते थे, आज तक ईरान में जाकिरीन को रौदा खां कहते हैं, और अगर जाकिरी औरत हो तो उसे रौदा ख्वानी। तो रौदतुश्शुहदा वो किताब थी जिसमें बिदआत और खुराफात भरी हुई थी ऊपर से लेके नीचे। इसमें लिखे गए वाकयात में निकाह जनाब कासिम मौजूद है, इसी तरह इमाम हुसैन का बड़ी शान और शौकत से मदीने से निकलना मौजूद है, इसी तरह जनाब फिद्दा का शुहदा की लाशों की हिफाजत के लिए अबुल हारिस नामी एक शेर को बुलाना कि शेर आगे हिफाजत कर रहा है, इसी तरह जुफर जिनका मैदान करबला में पहुंचना और उसकी तमाम तफसीलात। पता नहीं कौन बैठा लिख रहा था। अगर हजरत इमाम हुसैन और जुफर जिन के दरमियान की बात थी, मैदान करबला की बात थी, जब हजरत इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे, उस वक्त तो आले बैत का कोई आदमी आपके साथ था ही नहीं, तो इन्हें रिवायत किसने पहुंचाई? सवाल तो ये पैदा होता है। चलो खैमे की बात होती तो कहते कि भाई खैमे में मौजूद खवातीन तो थी ना आले बैत की, जो बाद में जिंदा रही, उन्होंने इसे बयान किया। ये तुम्हें रिवायत किसने बयान की? मैदान करबला की बात है, मैंने आपको बताया हजरत इमाम हुसैन जख्मों से चूर हैं, जुफर नामी जिन आता है वहां जहां पर आपके साथ और कोई है नहीं सिवाय दुश्मन की फौज के, तो क्या दुश्मन की फौजों से रिवायत ले लेके तुमने सुनाई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल यही हुआ कि इस किताब ने ईरान के अलावा फिर आसपास के और ममालिक में, इराक में, तुर्की में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में भी शोहरत पाई। तो तुर्की में इज्जतदारी करने वाले फारसी जो है वो फिर वहां पर भी एक मामला चला, और एक आलिम थे मोहम्मद बिन सुलेमान बगदादी फदूली, उन्होंने रौदतुश्शुहदा का तर्जुमा फिर तुर्की जबान में किया और इसका नाम हदीकतुस्सुअदा रखा। तो फिर तुर्क में भी ये चीज तरह चलने, ये मन घड़त कहानियां जो है, ये लोगों को शौक है ना। आज भी आप देखें, आप कोई हक बात बयान करें उसको चंद व्यूज मिलेंगे, लेकिन आप कोई सनसनी खेस रूमर बता दें तो वो आप देखें 10-10 हजार मिलियन तक उसके व्यूज चले जाएंगे, हजारों लाखों व्यूज हो जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि कौम का मिजाज, कौम के मिजाज में उसे ऐसी चीजों का बड़ा शौक है जिसके अंदर जो है उसे इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसके अंदर जो है कुछ मसाला हो, कुछ मिर्च हो ना, तो वो कहते हैं अब मजा आया ना, इल्म हासिल करना मकसद नहीं है। और यही वजह है इंजीनियर मिर्जा जैसे शोबदेबाजों के मशहूर होने की, क्योंकि वो शोशे छोड़ते हैं, मिर्च मसाले मिलते हैं। तो अब मिर्च मसालों का शौक है, इल्म का शौक नहीं है लोगों को। बहरहाल इस तरह की जो वाहियात किस्म की बातें जो हैं कि कासिम की मेहंदी और जुफर जिन की शबीह का बरामद होना और किसी शख्स का शेर की नक्काली, ये आप देखें ना, ये आवाम में ये चीजें जो मशहूर हो गई हैं, इस पे ये जो 10 मुहर्रम को ये जो चीजें करते रहते हैं उसमें ये भी है ना, कासिम की मेहंदी करते हैं, जुफर जिन की शबी जो है वो निकालते हैं, इसी तरह शेर की नक्काली का खाल पहन कर जो है हरम इमाम हुसैन में गश्त करना, और ये अवाम में चीजें रिवाज पाती गई हैं और बिदअतों का अंबार लगा हुआ है। यानी जो सवालात मेरे पास आ रहे हैं ना लोगों के पास से, ये हमारे इलाके में तो 10 मुहर्रम को ये भी होता है और वो भी होता है, मैं सवाल पढ़ पढ़ के सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि अगर मैं इन तमाम चीजों एक एक सवाल के जवाब पर वीडियो बनाना शुरू करूँ तो शायद हम सारा साल मुहर्रम की बिदात
ही की रद में वीडियोस बनाते रहे, इतनी खुराफात। भाई सवाल तो ये होता है ना कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई ये कर्बला में जिन्नात की आमद और गुफ्तगु और इतनी तवील गुफ्तगु लफ्ज ब लफ्ज, ये रिपोर्टिंग कौन कर रहा था? ARY न्यूज पहुंचा हुआ था, जियो न्यूज पहुंचा हुआ था, बोल्ड वाले पहुंचे हुए थे, कौन पहुंचा हुआ था, ZTV वाले पहुंचे हुए थे, दूरदर्शन, कौन पहुंचा हुआ था, रिपोर्टिंग कौन कर रहा था जो इनको लफ्ज ब लफ्ज सारी की सारी रिपोर्टिंग मिल गई। बात थी मैदान जंग की, हजरत इमाम हुसैन अकेले थे और जुफर जिन की बात थी और कोई था नहीं, तो तुम्हें रिवायत किसने किया गधों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब गधे ना कहें तो क्या कहें। अवाम को ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें वो उलझ के रह जाते और असल से दूर हो जाते। तुम ये क्यों नहीं बताते कि इमाम हुसैन कर्बला में भी नमाज नहीं छोड़ी मेरे हुसैन ने, कर्बला में भी मेरे हुसैन ने अपने रब से मांगना नहीं छोड़ा, कर्बला में भी हुसैन ने हक का साथ नहीं छोड़ा, कर्बला में भी हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, कर्बला में भी हुसैन दीन इस्लाम के तमाम कवायद व बुनियादों पर चट्टियल मतलब एक सख्त पहाड़ की तरह खड़ा रहा, झुका नहीं। हुसैन की अमली जिंदगी के बारे में कोई क्यों नहीं कहता कि इमाम हुसैन इमाम क्यों है, इमाम हसन इमाम क्यों है, इमाम जैनुल आबिदीन इमाम क्यों है, उन्हें जमाने ने इमाम के मुकाम पर क्यों पहुंचा दिया, इमाम हसन मुसन्ना इमाम क्यों है। समझो तो सही, ये कहानियों वाले इमाम तो नहीं है ना। अब होता क्या है कि कुछ बजाहिर दीनदार लोग मतलब समझ इल्म की कमी की वजह से, माहौल में इन्फ्लुएंस की वजह से ये महसूस करते हैं कि सारा कुछ करना जो है ये जरूरी है, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग जाएं खड्डे में, भाड़ में जाएं, तुम्हें हक से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर लोगों के पीछे में चलते रहे हम तो फिर हमें भी इन्हीं कहानियों को बयान करना चाहिए कि व्यूज मिलेंगे भाई, व्यूज मिलेंगे, लोग वाह वाह करेंगे। हम जानते हैं कि हम जब इस मुसलसल चलती हुई तरह के खिलाफ बहेंगे तो लोग गालियां देंगे, दैट्स ओके, लेकिन गालियां खाने के डर से हक बयान करना तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है नक्कार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट वी विल नॉट गोना स्टॉप कि हम इस चीज को लोगों के सामने रखें कि हक क्या है बातिल क्या है। तो ये सारी घड़ंतू रिवायतें हैं जिनकी असल कोई नहीं है और कब लिखी गई वो भी मैंने आपसे बयान कर दिया। रौदतुश्शुहदा नाम की ये मशहूर मारूफ किताब जिसका मुसन्निफ मुल्ला हुसैन काश, और ये कोई तकरीबन 500 550 साल पहले लिखी गई। ये था तो मुल्ला और पढ़ा लिखा आदमी था, इसने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, अनवारे सुहेली नाम की एक किताब भी लिखी और बहुत सारी किताब भी लिखी इसने। शिया इसको शिया समझते थे और सुन्नी इसको सुन्नी समझते था। सुन्नियों की मजलिसों में जाता तो सुन्नियों वाली बातें शुरू कर देता, शियाओं की मजलिस में आता तो शियाओं वाली बातें शुरू कर देता। इसी तरह एक और किताब लिखी गई कोई विद इन लास्ट 100 ईयर्स, मुल्ला अकाई दरबंदी ने लिखी, रौदतुश्शुहदा की बातों में कुछ और इजाफे की और सबको इकट्ठा करके इसरारुश्शुहदा नामी एक किताब लिख डाली। और ऐसी किताबें हैं कि जिनको पढ़ के इंसान कहता है अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, रियली व्हाई वुड यू राइट समथिंग लाइक दिस। यानी झूठ के पलंदों की किताबें हैं जिन्हें ऐसे पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है कि गोया यही सब कुछ है, और बदकिस्मती से मन घड़त और तहरीफी किस्से इसमें बयान किए जाते। इसलिए इंसान को चाहिए कि इन बिदआत से बचे, इन बकवासात से बचे और अक्ल करे, अल्लाह अक्ल सलीम अता करे कि चीज़ों को समझ सके। और मैं बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ उन भाइयों का और उन बहनों का जो ये सवालात मुझे भेजते हैं, क्योंकि मुझे तो हर सवाल का इल्म नहीं होता ना कि आप लोगों के जहनों में क्या क्या सवालात आते हैं, या आप लोगों के पास क्या क्या सवालात आते हैं, या आप लोग किन किन चीज़ों के बारे में डाउटफुल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सुन्नियों में भी ऐसी गलत चीज़ें पड़ गई हैं, तरह पड़ गई हैं कि जिनकी वजह से लोग इन चीज़ों का शिकार हो गए। ये जुफर जिन की कहानी ताहिरुल कादरी साहब की भी एक वीडियो 1989 की मौजूद है जो उन्होंने अपने चैनल पर भी पिछले एक दो साल में लॉन्च की है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ पर्सन ऑफ हिज नॉलेज टू कोट जुफर जिन की कहानी। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। और अब हम क्या कह सकते हैं, ये वजह होती है ना, ये इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों का कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं या कभी बड़ों से कोई कहानी सुनी होती है, उन बड़ों पर एतमाद करके आगे उसे बयान कर देते हैं। और हमारे यहाँ लोगों का यही मामला है। मस्जिद में मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में एक कहानी बयान की, अब चूंकि मौलवी साहब पे ट्रस्ट है कि ये सही बात करेंगे तो आगे जाके हमने वो बातें बयान करनी शुरू कर दी। ना मौलवी साहब ने कभी तहकीक की, ना हमने कभी तहकीक की कि आया ये वाकया ठीक भी है या घड़ंतु है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर मक्के में एक बुढ़िया कचरा फेंका करती थी, ये वाकया सनद के साथ कहीं मौजूद ही नहीं है। उर्दू की किताबों में, इस्लामियात की किताबों
किताबों में तो है। मेरा भाई बताओ, ये मक्के में छत पर कड़ा कूड़ा फेंकती थी, कूड़ेदान में फेंकती थी। मक्के में कूड़ेदान थे लोगों के घरों में? क्या मजाक है, छत पे खड़ी रहती थी, इंतजार करती रहती थी कि हुजूर गुजरेंगे तो कूड़ा फेंकूंगी ऊपर से। बस हमने 21वीं सदी में बैठकर छठी 7वीं सदी को इमेजिन करना शुरू कर दिया है। नतीजतन हमारे यहाँ जो मुल्हिदीन हैं, जो और जो है इस्लाम दुश्मनान हैं, वो भी इसी तरह के सवालात करते हैं 21वीं सदी के जहन से छठी 7वीं सदी के वाकयात को तोल के कहते हैं कि हाँ ये वाकया समझ में नहीं आता। तो उस समझने के लिए तुम्हें छठी 7वीं सदी में जाना पड़ेगा, उस वक्त के मामूलात देखने पड़ेंगे, तो फिर बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि क्या मामला है। तुम यहाँ बैठ के वहां को समझना चाहते हो, तो इसी तरह वो इस बुढ़िया का वाकया भी किसी सनद के साथ किसी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन है, बस आम हो गया है। फिर वो एक बुढ़िया जो निकल खड़ी हुई थी कि मैं मक्के में नहीं रहूंगी, और हुजूर उसका टेंट लेकर, खैमा लेकर बाहर निकल गए, और हुजूर ने उसका खैमा भी लगाया और फिर कहा कि मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से तुम मक्के छोड़ के जा रही हो। ये वाकया भी मौजूद ही नहीं है, किसी किताब में सही मुस्तनद रिवायत है ही नहीं। कौन बुढ़िया थी, कहाँ से आ, किस कबीले से ताल्लुक था, मक्के की रहने वाली थी, अकेली थी, उसके कबीले वाले भी कोई नहीं थे, किस कुरैश के कबीले से उसका ताल्लुक था, कौन थी वो, कुछ है ही नहीं बात, बस कोई एक वाकया। और ये वाकया तो मैंने खुद जुमे के खुतबे में यहाँ सुना है, मस्जिद में एक इमाम साहब बयान कर रहे थे खड़े हुए। अमरीका की बात कर रहा हूँ, शिकागो की बात कर रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कहने को यहाँ बड़े रिफाइन लोग आते हैं, तो सोचे हमारे यहाँ क्या क्या सुनाया जाता होगा। देखो, चीजों को अच्छा करके बयान करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती, सच्चे वाकयात भी बहुत सारे मौजूद। झूठी शानें और फजीलतें बयान करने से किसी की शान ऊंची नहीं होती, आप गुनाहगार जरूर हो जाते। अल्लाह हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।